गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आपके लिए जो लास्ट मीटिंग थी ना, उसमें कुछ प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया था। इस मीटिंग में आपको कुछ एग्जांपल्स के बारे में बताया जाएगा। जेपीएच की जो इंग्लिश मीडियम की बुक है, उसका फोर्थ नंबर का एग्जांपल है ये। एग्जांपल फोर्थ, इसके कई पार्ट्स हैं। फर्स्ट है डेल लॉग एक्स, सेकंड है इसमें डेल साइन ए एक्स प्लस बी, थर्ड पार्ट है इसका डेल कॉस ए एक्स प्लस बी। ओके, इन तीनों ही पार्ट्स को क्या है हम सॉल्व करेंगे। एक जो फॉर्मूला था ना, उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो आपको बताया था डेल फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। ये क्या है, रन करना है आपको सभी को। अब आप देखोगे इसमें फर्स्ट जो पार्ट है, इसको अगर प्रूव करें, पार्ट फर्स्ट, सिंस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स, देखो डेल एफ ऑफ एक्स है ना, डेल एफ ऑफ एक्स होता है तो फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, लॉग एक्स। देन एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू लॉग, यानी एक्स को रिप्लेस करना है आपको एक्स प्लस एच से, तो ये हो जाएगा एफ लॉग एक्स प्लस एच। सिंस डेल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, एम्प्लाइज डेल एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अपने पास लॉग एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच है, ये लॉग एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स मीन्स लॉग एक्स। लॉग एम माइनस एन, इनका जो फॉर्मूला होता है लॉग एम माइनस एन, ये बन जाता है लॉग एम अपॉन एन, एम की वैल्यू एक्स प्लस एच अपॉन में एक्स। आप इसको लिखना चाहो तो लॉग अलग अलग डिवाइड करें, एक्स से एक्स को डिवाइड करोगे वन प्लस एच अपॉन एक्स। ओके, ये इसका पार्ट फर्स्ट हुआ। क्या हुआ, ये इसका पार्ट फर्स्ट। अब इसके सेकंड पार्ट के बारे में डिस्कस करें। पार्ट नंबर सेकंड, देखोगे आप डेल साइन डेल एफ ऑफ एक्स होता है ना, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है साइन ए एक्स प्लस बी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है ये साइन ए एक्स प्लस बी। देन एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू साइन, अपन को क्या करना है, ए की जगह जो सॉरी एक्स को रिप्लेस करना है ना एक्स प्लस एच से, साथ में ए है ए एक्स प्लस एच प्लस बी। इसको और भी आप सिंप्लीफाई करें तो साइन ए एक्स प्लस बी एक साथ, और ये ए एच बनेगा ना, इसको लास्ट में रखा। आपको जो वैल्यू निकालनी है डेल फंक्शन, यानी डेल फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डेल एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अपने पास साइन डेल साइन ए एक्स प्लस बी इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू है साइन ए एक्स प्लस बी प्लस ए एच माइनस फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू है ये साइन फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू है साइन ए एक्स प्लस बी। बताएंगे यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट तो नहीं, कंफर्म कराएं। कंफर्म कराएं, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट तो नहीं है ना। नमन पांडे, राज सिंगल, सोनम सिंचनवार, बोलो किसी को कोई डाउट हो तो। ओके, नेक्स्ट देखिए। देखो इसमें जो एक दो बच्चे हैं ना, ये तीन तो बच्चे वैसे ही, इनमें से एक बच्चा जो कि आज ही शायद क्लास ज्वाइन की है, आप इसमें ये साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला यूज करोगे। साइन सी माइनस साइन डी का जो फॉर्मूला है उसको आप काम में लें।
तो आप जानते हैं साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू होता है टू कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू, टू साइन सी या ये कहें साइन सी माइनस साइन डी, ये जो फार्मूला है वो बनता है टू कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू, ये फार्मूला बनता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको साइन सी पूरे को सी मानोगे, साइन सी माइनस साइन डी तो आप देखेंगे दोनों सी प्लस डी बाई टू, यानी टू कॉस सी प्लस डी करोगे ना, ये दोनों टर्म है इनको ऐड करो, ऐड करोगे तो ये बन जाएगा ए एक्स प्लस बी प्लस ए एच, और इसमें ए एक्स प्लस बी और ऐड करेंगे ये ट्वाइस हो जाएगा। आप वन में टू से डिवाइड करोगे तो ये हो गया आपका साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू टू कॉस सी प्लस डी बाई टू सी प्लस डी बाई टू। अब ये होता है साइन सी माइनस डी, साइन सी माइनस डी करोगे यानी ए एक्स प्लस बी प्लस ए एच में से ए एक्स प्लस बी माइनस करेंगे तो ए एक्स प्लस बी माइनस हो जाएगा, ओनली ए एच बचेगा, ए एच वाई टू। तो टू से इस टू को कैंसिल करें तो ये बन जाएगा कॉस, जैसे टू से देखो टू को टू का है ना, ये जो टू है आप इनको अलग अलग डिवाइड करोगे, इसे टू से डिवाइड करोगे टू को, तो ये ए एक्स प्लस बी बचा, ए एक्स प्लस बी प्लस ए एच को डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा ए एच बाई टू, साथ में ये साइन ए एच बाई टू। आप इस साइन को आगे लिख सकते हो, यानी ये बना टू साइन ए एच बाई टू साथ में कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस ए एच वाई टू। ओके, ये इसका सेकंड पार्ट हुआ। आप चाहो तो उसको लास्ट वाली वैल्यू को कॉस की बजाय साइन में भी लिख सकते हो, जिसकी हेल्प से आप आगे क्वेश्चन करोगे। और ये जो वैल्यू है वो है डेल साइन ए एक्स प्लस बी के इक्वल टू साइन ए एच वाई टू कॉस, जो वैल्यू दे रखी है ये बन जाएगी कॉस की वैल्यू साइन पाई बाई टू ए एक्स प्लस बी प्लस ए एच वाई टू। आप देखेंगे इसमें साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा जो कि कॉस थीटा होता है ना, ब्रैकेट को आप एंगल थीटा समझो, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो आप क्या है कॉस, कॉस को साइन की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसको भी आप टू साइन ए एच वाई टू इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, नहीं तो आंसर तो आपका यही है, आंसर तो आपका यही हो गया। कन्वर्ट करके इसलिए बता रहे हैं आपको कि आगे एक क्वेश्चन है, यहाँ डेल स्क्वायर लगाता है वो इसमें डेल स्क्वायर साइन ए एक्स प्लस बी लगाता है, तो उसको भी थोड़ा समझा देंगे आपको। एक और क्वेश्चन आएगा यहाँ डेल पे एन लगाता है वो क्वेश्चन में। अब देखो आप इसको साइन पाई बाई टू ए एक्स प्लस बी को, तो यहाँ हम एक साथ लिखें ए एक्स प्लस बी को, तो हम एक साथ लिखें प्लस पाई बाई टू, और जो ए एच बाई टू है इनको एल सी एम ले करके ए एच प्लस पाई बाई टू इसको साथ में लिख दिया। ये इसका सेकंड पार्ट हो गया। ओके, अभी इसमें थर्ड पार्ट का, इसका जो थर्ड पार्ट है ना उसके बारे में डिस्कस करें। थर्ड नंबर का पार्ट है कॉस ए एक्स प्लस बी, तो ये आपके लिए होमवर्क में रहा। थर्ड पार्ट है सेम है ना, साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी, वो होमवर्क में रहेगा। इसमें एक क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे अभी हम एन एन पावर वाले के लिए जो डिस्कस कर रहे थे आपसे। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर है इसमें 12, और उस 12 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके कई पार्ट्स दे रखे हैं। एग्जाम्पल 12, इसका पार्ट नंबर थर्ड
ये का एवेल्यूएट दी फॉलोइंग एनएथ डिफरेंस की वैल्यू निकलवाइए इसमें, डेल की पावर एन साइन ए एक्स प्लस बी, दी इंटरवल ऑफ द डिफरेंस इज एच, इसका जो डिफरेंस है ना इंटरवल है वो क्या है एच है, इंटरवल डिफरेंस क्या है एच है। तो आप देखेंगे फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी हो गई साइन ए एक्स प्लस बी, तो हमने ये लिख दिया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, फंक्शन ऑफ एक्स ये है, इसका जो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन निकाला तो ये बन गया, इसीलिए हमने इसको लिखा रखने दिया है, इसका फर्स्ट टाइम डिफरेंस निकाल लिया आपने, फर्स्ट टाइम डिफरेंस निकाला, अभी इसका सेकंड टाइम डिफरेंस निकालें, अगेन। अच्छा ये बताइए यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट्स तो नहीं हो तो बॉक्स चैट बॉक्स में बताएं, किसी भी स्टूडेंट को डाउट्स हो तो बताएं। अब देखो इसमें इसका सेकंड डिफरेंस निकालोगे यहाँ, अगेन सेकंड डिफरेंस निकालोगे डेल डेल साइन ए एक्स प्लस बी, तो डेल डेल साइन करोगे तो डेल स्क्वायर हो जाएगा ना, डेल स्क्वायर साइन ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू, इस साइड में डेल ऑपरेट करोगे तो आप समझेंगे ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट से तो बाहर निकल आता है, आपने कोई प्रॉपर्टी थी जिनको हमने अपने आपको बताया कि इनको इन प्रॉपर्टीज को आप सॉल्व करना, डेल सी एफ ऑफ एक्स हो तो सी डेल एफ ऑफ एक्स आया होगा, यानी सी जो स्केलर है वो बाहर निकल आता है, यानी जो कांस्टेंट है वो क्या बाहर निकल आता है डेल सी। अब देखिए आप इसमें कि अगर आप डेल लगाओगे ना, डेल लगाओगे तो ये नीचे कांस्टेंट वैल्यू है टू साइन, जो ब्रैकेट में वैल्यू है कांस्टेंट है, तो इसको डेल से बाहर निकालो, ये बनी टू साइन ए एच वाई टू, इसको बाहर निकाला तो डेल लगेगा अब अपना साइन ए एक्स प्लस बी प्लस ए एच प्लस फाइव वाई टू पर, साइन ए एक्स प्लस बी प्लस ए एच प्लस फाइव ए एच प्लस फाइव वाई टू पर एन पर लगेगा ये डेल, आप यहाँ डेल ऑपरेट करोगे तो ये बन जाएगा टू साइन ए एच वाई टू, तो डेल जब ऑपरेट करते हैं ना तो डेल ऑपरेट करने के लिए आपको क्या बताया कि डेल जब ऑपरेट करते हैं डेल जो एफ ऑफ एक्स होता है उसमें एक बार तो फंक्शन में एच को ऐड करते हैं माइनस में, फंक्शन ऑफ एक्स ये रहता है, पहली बार तो क्या फंक्शन में एच ऐड करते हैं, तो यह बन जाएगा अपना फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच, यानी यहाँ जो साइन है ना ये साइन की वैल्यू इसमें ए एक्स है, इस ए की जगह आप लिखोगे एक्स प्लस एच प्लस बी, बाद में है ये यहाँ ए एच प्लस पाई वाई टू, ओके क्या किया इसमें, आप अगर ऐसे लिख रहे हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स प्लस एच, ये क्या है ये जो लाइन है ऊपर ये भी क्या है एक ब्रैकेट को डिनोट करती है, चार टाइप के ब्रैकेट होते हैं ना, एक तो लाइन ब्रैकेट होता है, दूसरा क्या है स्मॉल वाला, तीसरा कर्ली, और एक और होता है ना फोर्थ वाला जिसको आप बड़ा कोष्टक के नाम से जानते हो, बड़ा वाला जो बनता है बॉक्स वाला ये। अब देखो इसमें आप क्या करेंगे कि ये बन जाएगा यहाँ टू साइन ए एच अपॉन टू साइन, देखो अभी अभी क्या है साइन यहाँ एफ ऑफ एक्स प्लस एच होता है ना, अभी तो हमने फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच को लिखा था, ये साइन एफ ऑफ एक्स प्लस एच, क्योंकि एक्स एक्स को रिप्लेस किया था एक्स प्लस एच से, प्लस बी प्लस ए एच प्लस फाइव ए टू, लेकिन अभी माइनस भी तो करना है ना इसको, क्या करना है माइनस, आप सभी एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, इसका स्क्रीनशॉट लें एक बार सभी स्टूडेंट्स,
अब देखोगे आप इसमें, अभी तो आपने फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच लिखा, माइनस में अभी फंक्शन ऑफ एक्स लिखना है। फंक्शन ऑफ एक्स जो था वो है अपने पास साइन साइन ए एक्स प्लस बी प्लस ए एच प्लस पाई बाई टू। यानी अब इसमें हम साइन साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला दोबारा से लगाएंगे ना। साइन सी माइनस साइन डी का जो फॉर्मूला है ये बनेगा साइन, इसको आप ए एक्स प्लस बी को साथ में लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी एक साथ प्लस ए एच आएगा, प्लस ए एच आएगा प्लस ए एच, इसके साथ में है ये प्लस का ए एच प्लस पाई बाई टू माइनस साइन, इसको भी लिख सकते हो आप ए एक्स प्लस बी प्लस ए एच प्लस पाई बाई टू, या आप इसको जो ए एच प्लस पाई है ना ए एक्स, एक ही बात है, किस तरह भी लिख लो आप इनको। अब आप देखेंगे आपको जो कि हमने फॉर्मूला बताया साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू, ये बनता है टू कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू, ये फॉर्मूला होता है। अगर इस फॉर्मूले का अपन यूज करें तो ये बन जाएगा टू साइन ए एच वाई टू, पर ये साइन सी माइनस साइन डी करोगे तो ये बन जाएगा टू कॉस सी प्लस डी करोगे, यानी इन दोनों को ऐड करोगे टू से डिवाइड करोगे, जब ऐड करके टू से डिवाइड करोगे ना तो ए एक्स प्लस बी ए एक्स प्लस बी ये ट्वाइस होंगे टू से डिवाइड करोगे तो ए एक्स प्लस बी ही बचेगा। फिर यहाँ ये भी दोनों टर्म क्या डबल होंगी तो इसको क्या लिखोगे ए एच प्लस पाई बाई टू लिखोगे, लेकिन अभी ये जो ए एच बच्चा है ना यहाँ इसको भी टू से डिवाइड करना होगा। आप समझे कि अभी क्या आपने साइन सी माइनस साइन डी किया है तो टू कॉस सी प्लस डी बाई टू आए, इसके साथ ही आप यहाँ साइन सी माइनस डी करेंगे, सी माइनस डी से मतलब है इस वाले एंगल में से ये एंगल माइनस करें तो आप देखेंगे ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, ओनली ए एच बचेगा, तो इसको आप ए एच बाई टू लिख सकते हो। आप देखेंगे कि ये जो वैल्यू चल रही है अपने पास डेल स्क्वायर साइन ए एक्स प्लस बी के इक्वल है, और ये देखो टू साइन ए एच वाई टू और ये भी टू साइन ए एच वाई टू, तो क्या आप इन दोनों को एक साथ लिखते हुए होल स्क्वायर नहीं कर सकते, टू साइन ए एच वाई टू होल स्क्वायर लिख सकते हो ना। साथ में ये जो कॉस है ना, ये जो कॉस है इसको आप साइन में लिखें, थोड़ी देर पहले भी कन्वर्ट किया था ना साइन में, तो इसको लिख सकते हो साइन पाई बाई टू प्लस प्लस ए एक्स प्लस बी प्लस में इन दोनों को ए एच प्लस पाई वाई टू प्लस ए एच वाई टू इस फॉर्म में लिख सकते हैं आप, क्योंकि साइन 90 प्लस पूरे को थीटा मानो बाद वाले को, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा यही बनता है ना। तो आप समझेंगे इसमें कि ये तो रहा टू साइन ए एच वाई टू स्क्वायर और ये आया अपना साइन पाई वाई टू और ए एच वाई टू, ऐड करोगे ना पाई बाई टू ए एच वाई टू तो एलसीएम लेंगे पाई प्लस ए एच या ए एच प्लस पाई बाई टू बनेगा, तो ये ट्वाइस हो जाएगा ना। अरे ये फर्स्ट वाला और ये लास्ट वाला आप देखेंगे कि ए एच प्लस पाई बाई टू बनेगा इन दोनों को ऐड करके, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये ए एच प्लस पाई बाई टू बना, एक ए एच प्लस पाई बाई टू ये है, दोनों को फिर ऐड करोगे तो यहाँ टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये बना ए एक्स प्लस बी प्लस टू इन टू में ए एच प्लस पाई बाई टू ये बन जाएगा। अब इसको देखेंगे आप कि ये आपका डेल स्क्वायर साइन ए एक्स प्लस बी बना, आप चेक करेंगे कि ये जो वैल्यू थी ना ये वैल्यू थी डेल साइन ए एक्स प्लस बी, थोड़ा सा चेक करो इसको कि यहाँ डेल पे वन है तो यहाँ टू साइन पे वन पावर है, और यहाँ ये जो है ये वैल्यू ए एच प्लस पाई बाई टू ये वन है। आप देखेंगे आपने यहाँ डेल पे स्क्वायर लगाया तो देखो इस वाले पे वन, इस वाले पे क्या है स्क्वायर हो गया, और यहाँ ए एच प्लस पाई बाई टू के साथ में टू और आ गया। तो आप इसको जनरली अगर लिखें इन जनरल
इन जनरल अगर आप स्क्वायर की जगह एन करें, डेल एन साइन ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टू साइन ए एच वाई टू इसकी पावर एन, फिर है ये साइन ए एक्स प्लस बी प्लस टू की वैल्यू एन से रिप्लेस करें, ए एच प्लस पाई वाई टू। ओके, ये रहा इसका सॉल्यूशन। अगर ये एन एथ जो पावर हो उसकी फॉर्म में आपसे और भी क्वेश्चन सॉल्व करवाए गए हों तो इसी टाइप से सॉल्व करोगे। बताइए किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो, कोई डाउट हो तो बताओ। नमन पांडे, नमन पांडे और राज सिंघल किधर हैं ये? अरे मोबाइल रख करके तो इधर उधर बैठ गई भाई। नमन पांडे, राज सिंघल नमन पांडे कुछ बोलोगे? इस क्लास को आप दोबारा से एक बार ज्वाइन करोगे? ओके।